सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हमारी यात्रा पहुंची है रायपुर जंक्शन। इस समय हम खड़े हैं रायपुर स्टेशन पर, और रायपुर छत्तीसगढ़ का एक विशेष और महत्वपूर्ण स्टेशन माना जाता है, क्योंकि यहां से विशाखापट्टनम जाने के लिए और बिलासपुर जाने के लिए दोनों तरफ के लिए ट्रेनें मिलती हैं। आप स्टेशन के बाहर देख पा रहे होंगे, सामने है आरक्षण केंद्र, तो ये आपको देख रहे हो रेलवे आरक्षण केंद्र रायपुर। इसके बाद थोड़ा सा और इस तरफ आप देखेंगे तो सामने लीरॉय होटल, स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर ही होटल बना है, बहुत अच्छी सुविधा है रुकने के लिए। और इस तरफ देखेंगे तो वो सामने है मुख्य प्रवेश द्वार रायपुर का, वो सीधा प्रवेश द्वार है जो रायपुर स्टेशन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर एक के लिए चला जाता है। और उसके आगे जाएंगे तो वहाँ से रिटायर रूम और रेलवे के और सारे ऑफिसर के क्वार्टर्स वगैरह बने हैं, और एक सीधा एंट्रेंस है। हम लोग चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और अंदर से जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। रायपुर छत्तीसगढ़ का एक बहुत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। रायपुर के चारों तरफ स्टील प्लांट और पावर प्लांट है। यहाँ से पास में एक भिलाई जंक्शन पड़ता है, भिलाई स्टेशन पड़ता है, भिलाई में भिलाई पावर स्टील प्लांट है। यहाँ से एक बलौदा बाज़ार पड़ता है, वहाँ पर सीमेंट के प्लांट हैं, पावर प्लांट है, और आगे बिलासपुर है। हमने आपको बिलासपुर पहले ही बता चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग हमारे इस वीडियो में जुड़े रहें और आगे जुड़े रहेंगे तो हम अंदर आपको ले चलते हैं रायपुर स्टेशन की और जानकारी आ जाएंगे। ये सामने होटल के नीचे शॉप्स बनी है, इसमें इंडियन बिरयानी हाउस है, स्वाद जंक्शन है, कैफ़े कॉफ़ी डे भी है, सामने डोमिनोज भी है, और वो सामने रेलवे स्टेशन की एंट्री है। तो आप कभी भी अगर रायपुर आते हैं तो रायपुर स्टेशन पर रुकने की व्यवस्था भी की गई है। इस तरफ रेलवे की डोरमेट्री, एसी डोरमेट्री बनी है जहाँ पर आरक्षण केंद्र है, और जो स्लीपर डोरमेट्री है वो स्टेशन के ऊपर ही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टेशन का जो बाहर का मुख्य द्वार है, और स्टेशन के बाहर आप पार्किंग स्लॉट देखें, पार्किंग एरिया देखें, बिल्कुल एयरपोर्ट के माध्यम से बनाई गई है, एयरपोर्ट जैसी बनाई गई है। आप देख सकते हैं एंट्री भी बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी है, और बहुत ही सुंदर और भव्य स्टेशन है रायपुर, बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है रायपुर। हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या एक पर आ गए हैं, और अब अपने अमानती सामान ग्रह की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर क्लॉक रूम की व्यवस्था दी गई है। ये सामने रायपुर का प्लेटफॉर्म संख्या एक है, और ये जिस पर रायपुर जंक्शन लिखा है दो और तीन है, और उस तरफ चार पाँच है, और इस तरफ एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना गया है, बने प्लेटफॉर्म संख्या बने, जहाँ से लोकल गाड़ियाँ जाती हैं, लोकल मेमो ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेनें जाती हैं दुर्ग, दल्ली, राजरा, गोंदिया तक जाने वाली ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं, रायपुर से चलती हैं। और बाकी यह मेन ट्रैक है, मुंबई हावड़ा का मेन ट्रैक है। रायपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म संख्या दो है सामने, और एक नंबर है, इस पर भी कोई ट्रेन आने वाली है, इसकी भीड़ भी यहाँ पर खड़ी है, कोई गाड़ी संख्या आ रही है 12849, रायपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म संख्या एक। और हम दो पर चल रहे हैं, दो से और आपको जानकारियाँ देंगे। यहाँ से कोल की गाड़ियाँ सारी निकलती हैं, यहाँ के सराउंडिंग आसपास सारे ज़िलों में स्टील प्लांट और पावर प्लांट है। यहाँ से भिलाई एक शहर पड़ता है, वहाँ पर भिलाई स्टील एवं पावर प्लांट सबसे बड़ा है भारतवर्ष का। उसके आगे दल्ली राज रहा है, जहाँ से भी माइंस हैं, दुर्ग में सीमेंट प्लांट है, और यहाँ पीछे जाते हैं तो बलौदा बाज़ार में भी सीमेंट प्लांट है, भाटापारा में भी सीमेंट प्लांट है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है छत्तीसगढ़ का। आपको छत्तीसगढ़ में अगर रायपुर आना है तो रायपुर आप भोपाल से या दिल्ली से या साउथ से सभी जगह से यहाँ पर डायरेक्ट ट्रेनें आती हैं। पुणे से भी डायरेक्ट आती है, आज़ाद हिंद एक्सप्रेस आती है पुणे से, भोपाल से अमरकंटक सुपरफास्ट, छत्तीसगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, समता एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस जो दिल्ली से आती है वो भी डायरेक्ट यहाँ आती है। बहुत सारी ट्रेनें यहाँ डायरेक्ट भोपाल से आती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर एक से अभी रायपुर से गाड़ी निकली है बिलासपुर पूना एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या है 12849, जो कि बिलासपुर से चली है और पूना जा रही है, रायपुर स्टेशन से निकल चुकी है। आप देख पा रहे होंगे सामने उसके वातानुकूलित एसी कोच निकल रहे हैं, ट्रेन आगे निकल चुकी है, और अब आगे दुर्ग नागपुर होते हुए पूना की यात्रा पूरी करेगी। इस सामने लीरॉय होटल आपको हमने शुरू में बताया था जो स्टेशन के अंदर है। हम प्लेटफॉर्म दो पर खड़े हैं, और एक पर आपको सामने दिख रहा होगा लीरॉय होटल, और ये प्लेटफॉर्म संख्या एक है सामने। 2 1 3